इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सरकारी एम्बुलेंसेस पर सीएम ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स पर एतराज जताया है और चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है। जो वहां की एम्बुलेंस है, सरकार स्टेट की, राज्य सरकार की, उस एम्बुलेंस पे जो ममता बनर्जी की बड़ी बड़ी फोटोज हैं उसको लेकर के आपत्ति जताई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल में पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन। पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ एम्बुलेंस चला रहा है, जो खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार है। क्या चुनाव आयोग इसका और तमाम सरकारी संपत्तियों पर ऐसे पोस्टर्स का संज्ञान लेगा? एक क्वेश्चन मार्क। हमारे संवाददाता पवन नारा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये एक शिकायत जो है अमित मालवीय ने की है चुनाव आयोग से, कि जो तमाम वहां पर एम्बुलेंस सरकारी चल रही है राज्य सरकार की, उस पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए ममता बनर्जी को, इसको लेकर के कब क्या कोई जवाब मिला है चुनाव आयोग की तरफ से या फिर कब तक उम्मीद है? जी, ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। आपको बता दें कि बहुत से सरकारी पोस्टर अभी भी कलकत्ता और पूरे बंगाल भर में लगे हैं, जहां सरकारी तस्वीरों पर या सरकारी पोस्टर पर ममता बनर्जी की तस्वीर है, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है। एम्बुलेंस सेवा जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा के तहत एम्बुलेंस सेवा है 102, उसकी एम्बुलेंस पर भी ममता बनर्जी की तस्वीरें लगी है। और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा मुद्दा पहले ही उठा चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगी थी उनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसे हटाने का आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया था। और अब बीजेपी की तरफ से ये शिकायत की गई है। देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर सिर्फ ट्विटर पर ही शिकायत करके छोड़ दिया जाता है। और पवन, बेहतर तो ये है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद इस तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद हटा ली जानी चाहिए, जिसके बाद इस तरह की शिकायत की कोई बात ही नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए पंजाब विधानसभा के बाहर क्यों हंगामा हो रहा है। फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।